आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद सदस्य एमएलसी चुनाव की मतगणना के दूसरे दिन स्नातक सीट पर चौथे राउंड मतगणना के बाद समाजवादी पार्टी ने असीम यादव और भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र ने मैदान में वापसी कर ली है। चौथे राउंड की मतगणना तक सपा के असीम यादव को बढ़त मिल चुकी है। असीम यादव बीजेपी के मानवेंद्र से 712 वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि तीसरे राउंड में आगे रहे निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी अब तीसरे पायदान पर है। सपा के डॉक्टर असीम यादव को 15,539 वोट, भाजपा के मानवेंद्र प्रताप सिंह को 14,827 वोट और हरिकिशोर तिवारी को 13,824 वोट मिल चुके हैं। अब तक कुल 3,795 मत निरस्त हो चुके हैं और अब तक 55,987 वोटों की गिनती हो चुकी है। वहीं शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल जीत गए हैं। दूसरी वरीयता में डॉक्टर आकाश को 6,690 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश वशिष्ठ को 4,319 वोट मिले। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार दिनेश वशिष्ठ को 2,376 वोटों से हरा दिया है। आगरा खंड स्नातक सीट के मतों की गिनती पूरी होने की ओर है। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे थे। पांचवें राउंड की मतगणना के बाद वे पीछे चले, उसके बाद भाजपा की उम्मीदें परवान चढ़ती गईं और अंतिम दौर की मतगणना तक भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए थे, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर असीम यादव ने लगभग मैदान छोड़ दिया है। उनके समर्थक भी मंडी समिति से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह की जीत तय मानी जा रही है। भाजपाइयों में जोश देखते ही बनता है। 36 घंटे की मतगणना के बाद ये भाजपाइयों के लिए अवसर आया है। इससे पहले शिक्षक सीट पर वे मैदान छोड़ चुके थे। शिक्षक सीट निर्दलीय आकाश के खाते में गई है, लेकिन उसकी भरपाई करते हुए भाजपा ने स्नातक सीट लगभग जीत ली है। अंतिम परिणाम बताएगा कि जीत का अंतर कितना रहा, सेकेंड प्रायोरिटी के वोट कितने मिले, क्योंकि 1,17,000 के आसपास मत यहाँ आगरा सीट पर पड़े थे, जिसमें से विजयी प्रत्याशी को लगभग 35,000 वोट पड़े हैं। इसका मतलब कि 50% वोट किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिले हैं। इसके लिए प्रशासन को दूसरी वरीयता के मत गिनने की औपचारिकता जरूर पूरी करनी होगी, लेकिन भाजपाई जहां जीत की ओर अग्रसर हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने अपनी हार लगभग मान ली है। इंजीनियर हरकिशोर तिवारी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, वे तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि तीसरे राउंड तक उन्होंने जोर मारा और दोनों ही प्रत्याशियों से आगे निकलते दिख रहे थे, लेकिन पांचवें राउंड की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की उम्मीदें परवान चढ़ती गई और जो लीड उन्होंने पांचवें राउंड में ली वो अंत तक बरकरार रखी। मंडी समिति से अपने साथी राहुल शांत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।